क्या आप जानते हैं मोरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसके जड़ से लेकर फल, फूल और पत्तियां तक खाए जाते हैं और सबके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, यानी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मोरिंगा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, माइग्रेन सही करता है, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और भी कई इसके गुण हैं। तो आज हम मोरिंगा के पत्तियों से बनाने वाले हैं पराठे, वो भी थेपला स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल किरण स्ट्रीट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कप मैंने मोरिंगा की पत्तियाँ ले ली हैं। मोरिंगा को कई जगह सहजन भी कहा जाता है, मुनगा भी कहा जाता है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार और यहाँ पर अब हमने इसे चॉपिंग बोर्ड में ले लिया है और हम इसे बारीक बारीक काटेंगे। आप मोरिंगा के पत्ते सॉफ्ट लें, इस बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो पत्ते, बिल्कुल कोमल पत्तियाँ लें, तो इससे बहुत ही अच्छे हमारे थेपले या पराठे बनके तैयार होते हैं। तो इन्हें बहुत ही बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। आटे को मैंने छान लिया था, तो छान कर ही आटा यूज़ करें। इसमें डाल दिए हैं मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन इससे ज़्यादा ना लें वरना हमारे जो थेपले हैं वो हार्ड बनेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 1.25 चम्मच तक छोटा चम्मच नमक डाला है। इसके साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, इसके साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर तिल, वाइट वाले तिल। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इनके बिना भी आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिन्हें मैंने क्रश कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको भी मैंने क्रश कर लिया था, इसे भी मिला लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन के बिना भी आप ये थेपले बना सकते हैं। इन सबको इस तरह से अच्छे से कंबाइन कर लें पहले। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच तेल। तो तेल डालने से बहुत ही नरम बनते हैं हमारे थेपले। और इसके साथ साथ 1/4 कप हम डालेंगे यहाँ पर दही। दही डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे थेपलों के अंदर आता है। 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। अब जो बारीक कटे हुए मोरिंगा के पत्ते थे इन्हें भी डाल देंगे इस आटे के अंदर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी पहले इसे कंबाइन कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले बहुत अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में इस तरह हाथ से मिक्स कर लें और अब हमें बहुत कम पानी डाल के इसका एक आटा तैयार करना है। यानी हमें गीला आटा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा हार्ड डो चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका डो तैयार करें। पानी अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये जो डो है हमारा ये गीला हो जाएगा और हमारे जो थेपले हैं वो फिर अच्छे परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आटा अपना तैयार कर लिया है। तो डो हमारा यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल टाइट है, परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो इसके ऊपर 1 छोटा चम्मच तेल लगा लिया है मैंने। तेल को अच्छे से मल लेंगे। अब आटे को हमें रेस्ट नहीं कराना है, डायरेक्ट हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो छोटा सा पोर्शन लें क्योंकि थेपले जो हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो पतला पतला बेलना है। इसके लिए थोड़ा सा ही पोर्शन हाथ में लें, इस तरह से पेड़ा बना लें। और अब हम एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे यानी कि चकला, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएं, ज़्यादा आटा ना लगाएं वरना हमारे थेपले थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा लगाएं, इसे इस तरह से फैला लें और अब हमें इसे पतला पतला चपाती की तरह बेलना है यानी रोटी की तरह। तो कोशिश करें जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप इसे बेलें। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बिल्कुल इसी तरह से मेथी के थेपले भी बना सकते हैं, बस मोरिंगा के पत्तों की जगह हमें मेथी के पत्ते लेने होंगे। तो यहाँ पर ये पतला सा हमारा थेपला तैयार है। अब तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म तवे के ऊपर ये हम डाल देंगे। एक तरफ से इसे अच्छे से सिकने देंगे। जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाएगा हम इसका साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही नरम बनते हैं ये थेपले, या आप इन्हें पराठे भी कह सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसके ऊपर मैंने 1 छोटा चम्मच तेल लगा लिया है। तेल को अच्छे से फैला लेंगे
और अब हम हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे इसे, वरना ये जो थेपला है ये हमारा क्रिस्पी हो सकता है। हमें क्रिस्पी नहीं करना है, हमें बिल्कुल नरम चाहिए। अब ये यहाँ से पक चुका है, साइड चेंज कर लें। बिल्कुल ये जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स आप देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े आने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स ना आए इसके ऊपर, इस बात का ध्यान रखें। तो दूसरी साइड भी मैंने तेल मल लिया है इसमें अच्छे से, हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे। अब मेक श्योर करें कि दोनों तरफ अच्छे से ये हमारा जो पराठा या थेपला है ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से इसमें हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट्स आ चुके हैं, इट मीन्स ये पक के तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है ये थेपले बनाना, बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। आप इन्हें ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन्स में रख सकते हैं और इन्हें आप सर्व कर सकते हैं दही के साथ, केचप या सॉस के साथ या फिर किसी भी अचार के साथ। आप देख सकते हैं कितने नरम ये थेपले बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल किरण स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।